दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना सिखाएंगे। आपको अपने फोन में एसएससी जीडी का जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट कैसे निकालना है वो आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। आपको एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना सिखाएंगे। दोस्तों आप सबने अपना स्टेटस तो देख लिया ही होगा, आपको अपनी सिटी और एग्जाम डेट पता होगी, आपको अपना जो एग्जाम सेंटर है उसका नाम और उसका एड्रेस नहीं पता होगा, वो आपको एडमिट कार्ड पे मिलेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तभी आपको जो आपका एग्जाम सेंटर है, एग्जाम का एड्रेस है और कौन सा एग्जाम है, मतलब कि कौन से एग्जाम सेंटर में आपका एग्जाम होने जा रहा है, तो वो सब आपको एडमिट कार्ड पे देखने को मिलेगा। इस प्रकार का एडमिट कार्ड होगा आपका। ठीक है, आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं एग्जाम में वो भी एडमिट कार्ड पर देखने को मिलेंगे। तो आपको अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है, तो कैसे करना है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एग्जाम की डेट जो आप सबको पता ही होगी 10 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक आपके एग्जाम होने जा रही है, सभी को पता होगा। ठीक है, सभी ने अपना अपना स्टेटस देखा होगा, अपनी अपनी डेट सबको पता होगी। आप इस वीडियो में देखेंगे, अब इस वीडियो में देखेंगे कि एडमिट कार्ड का प्रिंट कैसे निकालना है। चलो ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले अपने फोन में गूगल खोल लीजिए। मैंने गूगल खोल लिया है, तो आप सब भी गूगल खोल लीजिए। जैसे आप गूगल खोलोगे तो आपको यहां पर सर्च करना है SSGD, इतना सा सर्च करना है। ठीक है, जैसे आप इतना सा सर्च करोगे तो SSGD की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जहां पर आपको मैं बता दूं एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। पहले वीडियो देख लो, उसके बाद अपने फोन में ये सब कर लेना। ठीक है, पहले देख लो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जैसे आपने स्टेटस चेक किया था वैसे ही पहले चेक करो। ठीक है, स्टेटस जितना चेक किया था उतनी तक आप अगर जा सकते हो तो जाइए। अपना अपना जो दोस्तों आपका रीजन कौन सा है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। जहां पर सभी राज्यों के लिखे हुए हैं, ठीक है, तो सभी को पता होगा, सभी ने स्टेटस चेक किया होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जहां पर सभी के रीजन है, तो हम अपने रीजन पे क्लिक करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम जहां पे क्लिक कर लेते हैं, तो हमने जहां पर क्लिक कर लिया है उसके बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों जैसे स्टेटस देखते हैं वैसे ही आपको देखना है, उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो मैं आपको बताऊंगा, इसको क्लोज कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो कुछ लड़के बोलेंगे कि जैसे स्टेटस देखा था तो वैसे ही है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जहां पर हम क्लिक करेंगे फिर से हमारे सामने ओपन होगी वेबसाइट, फिर से हमें एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जहां पर नीचे आ जाना है, नीचे होगा जहां पर ऑप्शन कांस्टेबल जीडी का। ठीक है, कांस्टेबल जीडी का जहां पर देखिए इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसमें क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों अब इंटरफेस खुलेगा, तो जहां पर ठीक है अपना नाम डालना है, मदर नेम डालना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, इस पे डालने के बाद, ठीक है दोस्तों डालने के बाद सर्च कर देना है स्टेटस। जैसे हम स्टेटस सर्च करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे स्टेटस देखा था वैसे ही स्टेटस के नीचे दोस्तों देखिए ये आपको ऑप्शन आएगा। ऑप्शन उन्हीं लड़कों को आएगा जिनका एग्जाम की डेट 4 दिन बाकी होगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपका एग्जाम 20 जनवरी को है तो आपका जो स्टेटस है वो आएगा 16 जनवरी को। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम है 4 दिन पहले स्टेटस दिखेगा। ठीक है, तो आपको मैं पहले ही बता दूं, ठीक है, अगर आपका एग्जाम अभी लेट है 15-20 दिन है तो आपका अभी एडमिट कार्ड प्रिंट का ऑप्शन नहीं आया होगा। 4 दिन पहले आएगा। जब भी आपका एग्जाम 4 दिन रहेंगे तो उसके बाद आप ऐसे ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जहां पर ऑप्शन आ जाएगा हमारा जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, हमें हिंदी में प्रिंट निकालना है या इंग्लिश में, वो आप पे डिपेंड करता है, आप हिंदी में निकालना चाहते हो या इंग्लिश में। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं, एग्जाम से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा प्रिंट, इस प्रकार का ऑप्शन 4 दिन पहले आएगा। ठीक है, हम इंग्लिश में निकाल लेते हैं। जैसे हमने डाउनलोड किया तो देखिए जहां पर ऑप्शन आ गया कि आप प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए ये आ गया है। ठीक है, एडमिट कार्ड, हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। तो इस प्रकार एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जहां पर बताया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और जहां पर एग्जाम सेंटर का नाम भी है, जहां पर इस भाई का एग्जाम होगा वो इस सेंटर में होगा। ठीक है, तो सिलेबस भी बताया हुआ कि कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम से 4 दिन पहले। जय हिंद, जय भारत।